second youngest player for India to debut in a T20I match. First batsman for India to begin his career in Test cricket with a six. Fastest wicketkeeper for India to affect 50 dismissals in Test cricket. ये 24 साल के ऋषभ पंत के 4 साल की कुछ अचीवमेंट्स हैं। लेकिन एक इमैच्योर खिलाड़ी से एक डिपेंडेबल प्लेयर बन जाना ऋषभ के लिए इतना आसान नहीं था। इस कहानी में संघर्ष है, इस कहानी में संकल्प है और इस कहानी में सफलता भी है। आज के पंत की ये कहानी सिर्फ छोटे डिस्ट्रिक्ट से निकलकर बड़ा परफॉर्मर बनने की नहीं, सिर्फ जिद और जोश में आकर नाम कमाने की भी नहीं। इसमें लगन से ज्यादा हिस्सा रहा है पेशेंस और सेल्फ कॉन्फिडेंस का, खुद को बदलने से ज्यादा हालात पर कंट्रोल करने की जी तोड़ मशक्कत का। ऋषभ पंत ने कामयाबी का अपना रास्ता चुना, ऋषभ पंती का रास्ता। ऋषभ का जन्म रुड़की उत्तराखंड में हुआ। पिता को खुद शुरू से ही क्रिकेट खेलने का शौक था लेकिन अपनी फैमिली से ज्यादा सपोर्ट मिल नहीं पाया, लेकिन अपने बेटे को वो पूरी तरह से सपोर्ट करने के लिए तैयार थे। लेकिन जिस देश में क्रिकेट रिलीजन है, लाखों बच्चे इंडिया कलर्स पहनना चाहते हो, जबरदस्त कॉम्पिटिशन हो, वहां सिर्फ रुड़की में प्रैक्टिस करने से बात नहीं बनती। इसलिए क्रिकेट से बेतहाशा प्यार करने वाले 12 साल का ये बच्चा रुड़की से दिल्ली हर हफ्ते आने लगा, देर रात उठकर रुड़की से बस पकड़ना। जब ऋषभ प्रैक्टिस करते तो उनकी माँ गुरुद्वारे में सेवा करती। कहते हैं ना कि दुआओं में बहुत दम होता है, शायद इसीलिए आज ऋषभ टीम इंडिया के भरोसेमंद विकेटकीपर बैट्समैन है। खैर, दिल्ली में ऋषभ ने सोनेट एकेडमी में एडमिशन लिया। ऋषभ जैसे हीरे को चमकाने के लिए जरूरत थी एक बेहतरीन कोच की और उन्हें मिले शिखर धवन के कोच रह चुके तारक सिन्हा। पंत की मेहनत रंग लाई और साल 2016 में अंडर 19 वर्ल्ड कप खेलने से पहले ही दिल्ली कैपिटल्स ने उन्हें अपनी टीम में शामिल कर लिया। यंग टैलेंट को पहचान देने वाली दुनिया की सबसे बड़ी लीग में शानदार परफॉर्मेंस का इनाम मिला टीम इंडिया की जर्सी के तौर पर। आईपीएल में शानदार परफॉर्मेंस की बदौलत 2 साल बाद यानी साल 2018 में वनडे और टेस्ट भी खेलने को मिल गया। इंग्लैंड के पहले ही दौरे पर सेंचुरी भी जड़ दी। लेकिन कामयाबी के साथ शुरू हुआ ये सफर कितनी मुश्किलों से भरा है ये एहसास बार बार कराया जाता रहा ऋषभ को। पहली खामी, नजरें जमाकर बड़ी पारी खेलने के बजाय विकेट गंवा देना। दूसरी मुश्किल, विकेट के पीछे जरा सी चूक यानी MS धोनी द लेजेंड से कंपैरिजन। बार बार ऋषभ पंत की तुलना धोनी से की गई। जब भी ऋषभ कोई गलती करते क्रिकेट फैंस बार बार कम बैक धोनी कहने लगते। ऑफ कोर्स धोनी का ओहदा इतना बड़ा है क्रिकेट में और जो उन्होंने देश के लिए किया है वैसे ही एक्सपेक्टेशन हर कोई यंग ऋषभ पंत से करने लगा। दबाव में बिखरती चली गई पंत की परफॉर्मेंस। नौबत यहां तक आ गई कि इंटरनेशनल क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में बेंच पर बैठा दिया गया। दुनिया के हर चैंपियन को शायद ऐसे ही कठिन वक्त का इंतजार होता है ताकि वो अपना बेस्ट वर्जन दुनिया के सामने रख सके। इसलिए वापसी के मौके के इंतजार के साथ दिल्ली वाले पंत ने ठान लिया अब गलतियां नहीं दोहराएंगे। ऑस्ट्रेलिया में आखिरी 2 टेस्ट में मिला मौका तो नए कॉन्फिडेंस के साथ तैयार थे ऋषभ पंत। अप्रोच अभी भी फेयरलेस थी लेकिन सिडनी में टेस्ट ड्रॉप कराकर इन्होंने अपनी मैच्योरिटी का सबूत दिया। फिर ब्रिस्बेन में अपने दम पर मैच जिताकर ऐलान कर दिया कि दुनिया पंत का अपडेटेड वर्जन देखने को तैयार हो जाए। घर वापसी के बाद इंग्लैंड की खूब खातिर की, ना एंडरसन के नाम से डरे ना जोफ्रा आर्चर की रफ्तार से। इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट में पंत के 270 रन, 1 शतक, 2 हाफ सेंचुरी नए और कॉन्फिडेंट ऋषभ को दुनिया की सबसे मुश्किल T20 लीग में लीडरशिप का मौका मिला और टूर्नामेंट स्थगित होने तक दिल्ली वाले शिखर पर थे। कामयाबी की नई सीढ़ियां चढ़ने का अभी तक तो सफर शानदार रहा है लेकिन ये बस मुट्ठी भर जमीन है, अभी तो सारा आसमान बाकी है।